लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। 2016 साल का मैं भले ही सर्वोत्कृष्ट अभिनेता रहा हूं, लेकिन आज भी मुझे वही पसीना वही प्रेशर रहता है जब मैं आप जैसों के सामने आता हूं। तो प्रोजेक्ट तो चलते रहेंगे, जैसे मैं अपने आप को साबित करते जाऊंगा मुझे प्रोजेक्ट या काम मिलते रहेंगे। और रही बात कोहिनूर की, तो ऑडियंस या जिन्होंने कोहिनूर कहा है कल पत्थर भी कहेंगे, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं अगर इस फील्ड में एक अच्छा ऑडियंस भी बन सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज आर्टिस्ट जो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो समझ पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी तैयारी भी मैं कर सकूँ अगर, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र हास्य जत्रा के मशहूर कलाकार, विनोदी कलाकार ओंकार भोजने जी है, और जो पनवेल में अटल करंडक स्पर्धा हो रही है 28, 29, 30 जनवरी को, उसमें बहुत सारे कलाकार यहाँ पर जो एकांकी कलाकार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आप उस अटल करंडक एकांकिका जो स्पर्धा है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की स्पर्धा होगी? एकांकिका स्पर्धा खुद ही अपने आप में एक एनर्जी है, तो वही रोमांच होगा, वही एन्जॉयमेंट होगी, वही एक नया वर्कशॉप होगा हम सबके लिए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस कंपटीशन के लिए। और अभी कोविड के बाद, मतलब ये जो सब अपना एक जो लास्ट 2 ईयर्स थे, दो साल थे जो हम सबको बहुत कठिन थे, तो उससे बाहर आके हम लोग ऐसा कुछ नया और करने जा रहे हैं, मतलब कंपटीशन है या कुछ और, तो सब लोग एक साथ है तो वो एक अलग एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग। 2016 में आप इसके प्रतिभागी रहे, एक सर्वश्रेष्ठ आप अभिनेता रहे, और अब आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, कितना महत्वपूर्ण है ये मंच नए कलाकारों के लिए? नहीं, 2016 साल का मैं भले ही सर्वोत्कृष्ट अभिनेता रहा हूं, लेकिन आज भी मुझे वही पसीना वही प्रेशर रहता है जब मैं आप जैसों के सामने आता हूं। तो एक वो स्टेज है जहां पे हम जैसे कलाकार या हम जैसे बच्चे तैयार होते हैं, तो ये वही मौसम या वही माहौल है, तो वही माहौल वापस शुरू हो रहा है जैसे कि कोविड के बाद, तो उसी के लिए हम लोग तैयार हैं। तो ब्रांड एम्बेसडर के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग वापस वही एनर्जी लेके एक दूसरे से मिलेंगे और अपना जो कोई विचार है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आपने एक जिक्र किया कि कोंकण क्षेत्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और कोंकण क्षेत्र ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे कलाकारों को बहुत सारा अवसर नहीं मिलता है। अटल करंडक जो ये एकांकिका स्पर्धा का जो मंच है, आपको लगता है कि ये स्थानीय और ग्रामीण कलाकारों के लिए बहुत बड़ा मंच है? जी बिल्कुल, ये स्टेट लेवल कंपटीशन कोई भी हो, वो हर एक कलाकार या हर एक कॉम्पिटिटर के लिए ज़्यादा मायने रखती है, तो ये वही कंपटीशन है। स्टेट लेवल कंपटीशन होने के कारण शहर ही नहीं, गांव-गांव से लोग आएंगे, आर्टिस्ट आएंगे, कलाकार आएंगे, और अपनी कला चार लोगों के सामने पेश करेंगे, तो एक अलग एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट होता रहा है हमेशा के लिए। तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है हम जैसे रूरल या कोई भी बैकग्राउंड वाले आर्टिस्ट कलाकारों के लिए। जिस तरह के पुरस्कार इसमें हैं, निश्चित तौर पर ऐसे पुरस्कार जो है कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो इसमें जो अटल करंडक के एकांकिका स्पर्धा है, इसके जो पुरस्कार हैं, आप अभी जो सुझाव दिया गया वो भी आयोजक समिति ने एक्सेप्ट कर लिया कि दूसरे कुछ कॉस्ट्यूम और मेकअप के लिए भी पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि इस तरह के अगर आयोजक अगर हैं तो निश्चित तौर पर ऐसी स्पर्धाएँ बड़े लेवल पर जा सकती हैं? जी बिल्कुल, अभी फोक आर्ट पे बेस्ड अगर कोई एकांकिका या प्ले हो तो उसको भी एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा या अलग उसको नोटिस किया जाएगा। तो ये हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो फोक आर्टिस्ट थे वो महाराष्ट्र के थे या और कहीं के थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा टफ गया वो उन दिनों में, उनका कोई सेविंग नहीं था वो, तो उनको बहुत ज़्यादा टफ गया वो समय। तो उसके बाद अगर हमें फिर से शुरुआत करना है तो अपने फोक जो अपना रूट है उसको छोड़ के नहीं चलेगा, मतलब उसी को वापस स्ट्रांग बनाना है, तो ये लोक कला मतलब फोक आर्ट या अपनी जो मायबोली है, तो हम लोग जानते हैं कि कई सारी भाषाएं हैं, मतलब उपभाषाएं उसे कह सकते हैं ना जी, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए अगर ये अटल करंडक जैसी एक स्पर्धा विचार रखती है तो बहुत बड़ी बात है एक स्पर्धा के लिए। आपको कोकण का कोहिनूर कहा जाता है,
जो महाराष्ट्र हास्य यात्रा में हम देखते हैं, तो आपको तभी नहीं वो चुरा नहीं सकता, क्योंकि आपकी कला इतनी इतनी आगे बढ़ चुकी है, आपका परफॉर्मेंस इतना उत्तम हो गया है कि कलाकार की कला और जो उसकी कुशलता होती है उसको कोई चुरा नहीं सकता, ये बुजुर्गों ने कहा। अब जब महाराष्ट्र हास्य यात्रा में आपको इतना इतनी प्रसिद्धि और इतना ख्याति मिल रही है, तो कैसा लगता है आपको, और कुछ और नए प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं बताना चाहेंगे? अजी प्रोजेक्ट तो चलते रहेंगे, जैसे मैं अपने आप को साबित करते जाऊंगा मुझे प्रोजेक्ट या काम मिलते रहेंगे। और रही बात कोहिनूर की, तो ऑडियंस या जिन्होंने कोहिनूर कहा है कल पत्थर भी कहेंगे, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करने के लिए। मतलब इस यही प्रोसेस है एकांकिका की, कि जो कोई रोल में हमें सामने वाले देखते हैं तो हम लोग उसी के लिए तैयार हैं, तो कोहिनूर हो या पत्थर हो हम लोग तैयार हैं। तमाम हास्य फिल्में आजकल आ रही हैं, कई रीमेक बन रहे हैं, ओंकार भोजने किस रोल में अभी आगे नजर आएंगे? नहीं, मुझे थोड़ा टाइम है और मैं खुद पे थोड़ा और काम करूँगा और फिर देखूँगा मुझे कितना मैं कर सकता हूँ काम, या कुछ मैं टिक सकता हूँ, मैं खुद आजमा के देख लूँगा, फिर बाद में हम लोग मिलते रहेंगे। आखिरी दो सवाल जी, आपको लगता है कि जो इस तरह के व्यासपीठ होते हैं, मंच होते हैं, वो एक कलाकार को समृद्ध होने में या और परिष्कृत होने में बहुत ज़्यादा मददगार बनते हैं, और आप उसी वर्कशॉप में इस वक्त आप काम कर, उसी मानसिकता के साथ काम कर? बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी स्पर्धाएं, ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम जैसे या सभी कलाकारों के लिए, क्योंकि इसका टारगेट ऑडियंस जो रहता है वो बहुत मात्रा में रहने के कारण अपनी कला हम लोग एक ही बार बहुत लोगों के सामने लेके आ सकते हैं, तो ये उसी कॉम्पिटिशन का एक सक्सेस है। आखिरी सवाल सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे उन नए कलाकारों को, विनोदी कलाकारों को, जो इस स्पर्धा में हिस्सा तो ले रहे हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे बाहर हैं जो अभी तक इस तरह के मंच तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन उनमें वो कला और प्रतिभा है? स्पर्धा करते रहना चाहिए, मतलब कंपटीशन करके ही हमें समझ सकता है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारी तैयारी के लिए स्पर्धा कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यही मुझे लगता है। मतलब हर किसी की अपनी एक मेथड है, तो मैं कुछ नया उन्हें नहीं बता सकता, अपने अपने हिसाब से वो लोग कर सकते हैं, तो मैं बस उन्हें शुभकामनाएं दे सकता हूँ। अगले 5 साल में ओंकार भोजने अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अगर इस फील्ड में एक अच्छा ऑडियंस भी बन सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज आर्टिस्ट जो जिस लेवल पर काम कर रहे हैं वो समझ पाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी तैयारी भी मैं कर सकूं अगर, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, ओंकार भोजने जी महाराष्ट्र हास्य यात्रा के मशहूर कलाकार, मशहूर विनोदी कलाकार, जैसा आप कह रहे थे कभी भी वो एक ऑडियंस की तरह से अपने आप को वो रखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, समझ सकें। हम उम्मीद करते हैं कि जो नए कलाकारों को उन्होंने जो संदेश दिया है निश्चित तौर पर अपनाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।